तो अभी आगे इतनी धुंध है कि डायमंड क्रॉसिंग पे डेड भी किया जा रही है गुड्स ट्रेन, तो थोड़ा सा ही फासला यहाँ से, तो हमें वो भी नज़र नहीं आ रही, इतनी धुंध है। ये इधर हमारा ये इंजन खड़ा हुआ है, उसी फासले पे से डायमंड क्रॉसिंग से गुड्स ट्रेन गुजर रही है, उसकी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं मगर वो नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। पावर हमने निकाल लिए शर्ट से, अभी वेट कर रहे हैं सखर एक्सप्रेस, यहाँ आए रोड स्टेशन पे, तो फिर यहाँ से हम ऑन ट्रेन होंगे, फिर चलेंगे जैकमाबाद के लिए। मेरे साथ मेरे ड्राइवर है जो आज वर्क करेंगे, तारिक खान साहब, रोड़ी से जैकमाबाद सखर एक्सप्रेस। और नहीं कितना फॉग है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, तो विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती, सिग्नल नज़र नहीं आते सामने, सिग्नल है तो फिर मगर सही तरह नज़र नहीं आते। तो इस दौरान भी कैसे ट्रेन चलाते हैं ये आपको ड्राइवर साहब खुद बताएंगे, कैसे ऑपरेटिंग करनी पड़ती है। मोटरवे बंद है, एयरपोर्ट बंद है, रोड्स बंद है, तो ट्रैफिक मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर है, तकरीबन बंद ही है। अगर एक रेल का पहिया रवा दवा है वो भी रेलवे ड्राइवर्स की वजह से। देख सकते हैं कि फोगी वेदर कितना शदीद किस्म का फोगी वेदर है, और इस फोगी वेदर के अंदर भी हमारे ड्राइवर जो हैं जान हथेली पर रख कर गाड़ियाँ चला रहे हैं। के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि जो ट्रैक पास कर रहे हैं वो भी एहतियात करें, जब भी ट्रैक पास करें तो देखें कि कोई चीज़ ट्रेन तो नहीं आ रही, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। ट्रेन हमारी रोड़ी स्टेशन पर पहुंच रही है, सामने ही आ रही है, मगर धुंध है, शायद नज़र ना आए, सिर्फ इसकी हेडलाइट नज़र आ रही है अभी। आ गया।